इधर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में हेमंत विश्व शर्मा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं ने विचार विमर्श किया। हमारे अभी तीन एजेंडा है, एक जो पार्टी सिलेक्शन करने का जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया हो। चुनाव कमेटी का पहला बैठक आज समाप्त हुआ। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है, अगली दो तीन दिन में इसको अमलाजामा किया जाएगा और आगे लेके हमारा अपना काम भी चलते रहेगा। परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा और इस बीच में हम जनता दल यू और आसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लें। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, झारखंड में बीजेपी की चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, चर्चा किया गया, पार्टी के नेताओं से क्या जानकारी और किस तरह से अब आगे का रास्ता तय करेगी बीजेपी, इस बैठक के बाद क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए रश्मि, जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है और झारखंड में अगर इस वक्त की बात करें तो सबसे एक्टिव अगर कोई पार्टी है तो विपक्ष की पार्टी बीजेपी, हालांकि लाजमी भी है कि विपक्ष में बैठी है तो एक्टिव होगी, लेकिन चुनाव को लेकर जितनी एक्टिव है और भी दल हैं झारखंड में वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अब जाके एक्टिव हुई है, वहीं जेएमएम में अभी कोई किसी तरह का चुनाव को लेकर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। आसू बीजेपी से भी पहले एक्टिव हो चुकी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अगर एक्टिव नहीं होती है तो दिक्कतें होती। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और कल भी जो चुनाव को लेकर बैठक हुई उसमें चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा मौजूद थे। उनकी वो जो बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, उन्होंने साफ कहा है कि जो रणनीति है रणनीति बनाई जा रही है और जो सहयोगी दल हैं आसू की बात कर लें या जेडीयू की बात कर लें तो ये दोनों दलों को भी एक साथ लाने की कोशिश होगी कि जो सीट शेयरिंग को लेकर बातें फंसती हैं चुनाव के समय वो चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि इस बार जो है झारखंड में बीजेपी किसी तरह का कोई जोखिम उठाने की मूड में दिखाई नहीं दे रही है। पूरे तैयारी के साथ सरकार बहुमत की बनाना चाहती है, जिसको लेकर जो सहयोगी दल हैं उसे साधने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि जेडीयू भी इस बार के चुनाव में सीटों की मांग किया है, अपना प्रस्ताव रखा है, 14 सीटों का लिस्ट दिया, लेकिन उतनी सीटों तो मिलना मुश्किल है, लेकिन 3 से 4 सीट जो है जेडीयू को भी बीजेपी देगी। वहीं अगर आसू की बात करें तो आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन बैठकों में कह सकते हैं कि संगठन की चर्चा के साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उनसे भी चर्चाएँ उनको भी लेकर चर्चाएँ हो रही हैं, क्योंकि अगर उनको साथ में रखना है तो सीट शेयरिंग और कौन कौन सी सीट देना बीजेपी के लिए उचित होगा, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ अकेले बीजेपी चुनाव लड़ी थी और पूरे 81 विधानसभा पर इसके प्रत्याशी थे, तो ऐसे में अब जो जहां से चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी वहां के प्रत्याशियों को किस तरीके से सेट किया जाएगा, वहां के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सेट किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी और इन सारी बातों को लेकर भी रश्मि चर्चा हो रही है। अब ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर जो बैठकें चल रही है सहयोगी दल के साधने की कोशिश बीजेपी की होगी और सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पे बात करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।